लिए गुड मॉर्निंग। मैं आपकी योगा चार नामिता। आज आपको सबसे पहले थैंक्स बोलूंगी आपकी क्वेरीज के लिए। आपकी क्वेरीज से ही मुझे नए नए आइडियाज आते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड्स के टाइम पे कौन से योगासन करने चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आज मैं आपको ये इसलिए बताऊंगी क्योंकि ये सिर्फ एक मिथ है कि पीरियड्स में योग करना है कि नहीं। योग करते हैं विथ सम रिस्ट्रिक्शंस। आपन एडवांस आसन नहीं करेंगे, इस पर ऐसे कोई आसन नहीं करेंगे जो कि आपके लोअर एब्डोमेन, आपके डायफ्राम और आपके लोअर एब्डोमेन के बीच में किसी भी तरह का कोई सा भी प्रेशर क्रिएट करें। इसलिए हम वो ऐसे हल्के फुल्के स्ट्रेचिंग वाले आसन करेंगे, ऐसे आसन करेंगे जिससे हमें रिलैक्सेशन आए। पहले के लोग भी कहते थे कि पीरियड्स के टाइम पर कोई काम नहीं कराते थे, उसका साइंटिफिक रीज़न सिर्फ यही है किसी चीज़ को टच नहीं करना, क्योंकि उस समय लेडीज़ों को, गर्ल्स को कम्प्लीटली रिलैक्सेशन मिले, उन्हें आराम मिले। इसलिए मैं आज आपको वो आसन बताऊंगी कि जो भी पेन हो आपकी बॉडी में होते हैं उनसे आप कैसे रिलीफ पाएंगे। सबसे पहले मैं आज आपको खड़े होकर आसन बताऊंगी, जो जो आसन अपन पीरियड्स में कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे ताड़ासन से। पैरों को जोड़िए, हाथ सामने अपने कंधों की सीट पर ऊपर लेते हैं, स्ट्रेचिंग की। आप चाहें तो आप खोलें या बंद करें। हाथ कान से सटे हुए, कोहनियां बिल्कुल सीधी, वापस। ताड़ासन को आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। भद्रासन में बैठेंगे, अपनी दोनों उंगलियों को आपस में जोड़ लीजिए बिल्कुल स्ट्रेट। थोड़ी देर आँख बंद कर बैठे। अगर आपसे पॉसिबल है, ये आसन बहुत हेल्प करता है पीरियड्स के टाइम पे। अगर आप हो सके तो धीरे धीरे से बटरफ्लाई कर लें। पैरों को फैलाइए, वज्रासन में आइए। शशांक आसन करेंगे। अपन वज्रासन में बैठ जाइए, दोनों हाथों को कान से सटाते हुए ऊपर ले जाएं, फिर धीरे धीरे आगे झुकेंगे। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें। वापस आप इस आसन में जितनी देर तक चाहे उतनी देर तक होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद क्योंकि अभी फॉरवर्ड बेंडिंग की थी, बैकवर्ड बेंडिंग करने के लिए अपन उष्ट्रासन करेंगे। सीधा लेट जाएं, दो मिनट पैरों में 1 फीट का फासला, हाथ बॉडी से दूर, हथेलियां ऊपर। शवासन करेंगे 2 मिनट तक। शवासन में हम अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर लगाते हैं, रिलैक्सिंग आसन है। शवासन के साथ आप मरकट आसन कर सकते हैं, आप शिथिल आसन कर सकते हैं। ये सारे आसन मैंने आपको बताए हुए हैं। आप इसके साथ साथ आप प्राणायाम अवश्य करें क्योंकि इसमें मेंटल पीस की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है उसे अवश्य करें। इसके साथ आप उज्जयी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, इसे ज़रूर करें। हाँ, कपालभाति इसमें बिल्कुल नहीं करनी है। आपको मैं बहुत क्लियर बता दूँ, कपाल भाति जो एक शुद्धि क्रिया है आसन के पहले हम करते हैं, उसे आपको नहीं करना है।
और भस्त्रिका प्राणायाम बिल्कुल भी नहीं करना है। ये दोनों जो भी चीज़ें हमारे लोअर एब्डोमेन टू पेट, जो हमारा थॉरेक्स रीजन से नीचे पार्ट है, पूरा एब्डोमेन रीजन जितना भी है, ये सब इनमें किसी भी तरह का कोई भी जर्क न लगे, इसलिए हम कोई भी एडवांस आसन नहीं करते हैं। कोई इन्वर्टेड आसन, मतलब उल्टे जो भी पैर उठाने वाले आसन होते हैं, वो हम इसमें नहीं करते हैं। इसलिए प्रिकॉशंस के साथ आप आसन करें, प्राणायाम करें, आपको इसमें मेंटल पीस की, क्योंकि हॉर्मोन्स चेंज होते हैं तो थोड़ा सा मेंटली हमें इरिटेशन फील रहता है, उन सब चीज़ों के लिए, अपने माइंड पे बैलेंस क्रिएट करने के लिए हम प्राणायाम और आसन ज़रूर करें। ये सब चीज़ें हम आज करते हैं, लेकिन जिनको रोज़ डेली करने के रूटीन में करें, तो जिन लोगों को जो पेन होता है वो पेन भी नहीं होगा। मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बताऊँगी आपको कि जिनका टाइम आ रहा 40 to 45 ईयर की लेडीज़ों का पीरियड्स बंद होने का जो टाइम है, उस समय कौन से, उस टाइम के लिए हम कैसे प्रिपेयर हों, वो आसन कौन कौन से करें, मैं ज़रूर बताऊंगी। आपकी योगा चार नामिता। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो भी देख रहे हैं उन सबको बेनिफिट मिले। थैंक यू।